श्याम मानव बुद्ध हो या नागपुर पुलिस, बाबा बागेश्वर धाम का दमदार हुई जीत। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हरी राम, आज हम आपको बताएंगे कि नागपुर पुलिस को एफआईआर लिखने वाला श्याम मानव को धोया नागपुर पुलिस और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हुई जीत। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नागपुर में एक दिव्य दरबार लगा था, उसमें 40 साल से चला रहे कमेटी श्याम मानव ने एफआईआर लिखवाया था बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर नागपुर पुलिस को। मगर नागपुर पुलिस को आखिर इन्होंने क्या लिखवाया था एफआईआर में कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो छल कपट जादू टोना और वो बहुत बड़ा ढोंगी बाबा है और इसके कारण नागपुर पुलिस को जो है श्याम मानव ने एफआईआर लिखवाया। एफआईआर लिखवाने के बाद नागपुर पुलिस को इतना ही नहीं कहा श्याम मानव ने, श्याम मानव ने इतना तक ही नहीं रुका बाबा बागेश्वर धाम को बर्बादी की तरफ ले जाने को लेकर। उन्होंने एक मीडिया बुलाई और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा श्याम मानव जी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इतने दिन का दरबार लगाया था मगर उनको हम एक चुनौती दिए और वो इतना ही दिन में यहाँ से यानी कि नागपुर दिव्य दरबार से बाहर हो गए। बात इतना ही नहीं, श्याम मानव ने इतना आरोप लगाया कि मैं 30 लाख रुपए का एक बात रखी थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, अगर वो 10 सवाल करेंगे, अगर 10 में से 90% यानी 9-10 सवाल जो करेंगे उसमें 100% में 90% तक अगर वो सही देता है तो उनको 30 लाख रुपया हम दे देंगे और उनको चरणों में जा देंगे। ठीक ऐसा ही कुछ दिन श्याम मानव ने मीडिया पर इतने इंटरव्यू किए और इतने सोशल मीडिया पर वीडियो उसका वायरल हो गया। वायरल होने के साथ साथ हिंदुस्तान में जो भी हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानते हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको ट्रोल करते हुए भी उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जो अपमान कर रहा है वो एकदम गलत है। मगर श्याम मानव जी कहाँ किसी को मानते, वो तो 40 साल से कमेटी चला रहा हूँ और हमें इतना अनुभव हो गया है कि मैं जो कह रहा हूँ नागपुर पुलिस को बिल्कुल सही है और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो बिल्कुल गलत है। मगर ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपकी हैरान हो जाएंगे। नागपुर पुलिस का आप सुनिए, नागपुर पुलिस खुद कह रही है कि जो भी आरोप लगाए एफआईआर दिया वो एकदम गलत है और हम पूरा जांच पड़ताल करने के बाद पर पहुंचे हैं इस स्थिति पर कि जो कर रहे हैं और जो दिव्य दरबार में हुआ वो सरासर गलत है और बाबा को इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों मानव, हम आपको बता दें कि श्याम मानव जो थे वो 40 साल से कमेटी चला रहे थे मगर उनको इतना अनुभव नहीं है कि क्या जिस पर हम आरोप लगा रहे हैं वो गलत है या सही है। तो दोस्तों श्याम मानव का बहुत बड़ा हाथ जो एकदम बेबुनियाद है और बेबुनियाद के होने के साथ साथ श्याम मानव इसमें बिल्कुल हार गए और बाबा बागेश्वर धाम सरकार की जीत हुई है नागपुर पुलिस की तरफ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।